हेलो फ्रेंड्स, अली साइंस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करते हैं राजस्थान बोर्ड के अध्याय 2 के मानव तंत्र में श्वसन तंत्र के बारे में। पिछले दो वीडियो में हमने अध्याय 1 और अध्याय 2 का पाचन तंत्र का अध्ययन कर लिया था। जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप वो वीडियो देखिए, फिर उसके पश्चात इस वीडियो को देखिए। आइए शुरू करते हैं। श्वसन सजीवों में होने वाली एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ऊर्जा की प्राप्ति की जाती है। जब पाचन के द्वारा हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट के पाचन से ग्लूकोज मिल जाता है, तो ग्लूकोज के विखंडन के द्वारा ऊर्जा की प्राप्ति होती है। यह प्रक्रिया होती है श्वसन। ग्लूकोज के विखंडन के लिए ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है और ग्लूकोज के विखंडन के दौरान अपशिष्ट पदार्थ के रूप में CO2 का निष्कासन होता है। ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के द्वारा कैसे होता है, उसकी रासायनिक अभिक्रिया आपके सामने है स्क्रीन पर कि C6H12O6 यानी ग्लूकोज है यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा प्राप्त होती है। कोशिकाओं में ऊर्जा की प्राप्ति ATP के रूप में होती है। ATP अर्थात एडिनोशिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोशिन ट्राइफॉस्फेट एक रसायन है जिसका उपयोग कोशिकाएं ऊर्जा प्राप्ति के लिए करती है और यह ऊर्जा कोशिका की मुद्रा भी कहलाती है। ATP कोशिका की मुद्रा भी कहलाती है, करेंसी ऑफ द सेल भी कहलाती है। आइए अब हम अध्ययन करते हैं मानव के श्वसन तंत्र के बारे में। मानव का श्वसन तंत्र विभिन्न अंगों से मिलकर बना होता है। इसमें नासिका, मुख, ग्रसनी, श्वरयंत्र, श्वास नली, फेफड़े तथा डायफ्राम प्रमुख अंग है। इन सभी अंगों के कार्य और संरचना के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। नासिका है, ये नासा द्वार से प्रारंभ होती है और नासा द्वार जो है नासा गुहा में खुलता है। नासा गुहा में महीन बाल और संलेष्मा का आवरण पाया जाता है जो वायु को फिल्टर करने का काम करते हैं, जिसके कारण शुद्ध वायु ही हमारे फेफड़ों में प्रवेश कर पाती है। इनके अलावा मुख भी द्वितीयक अंग की तरह कार्य करता है। यह इस मुख के द्वारा भी वायु को ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन मुख के द्वारा ग्रहण की गई वायु नासिका द्वारा ग्रहण की गई वायु की तुलना में कम शुद्ध होती है क्योंकि इसका फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता। वायु नासिका ग्रसनी में प्रवेश करती है। ग्रसनी के बारे में हमने पाचन तंत्र में भी पढ़ा था कि यह पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों का उभयनिष्ठ भाग है। ग्रसनी के 3 भाग होते हैं जिनको नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी तथा कंठ ग्रसनी कहते हैं। ग्रसनी है ये श्वास नली में खुलती है, लेकिन ग्रसनी और श्वास नली के दोनों को जोड़ने का काम श्वरयंत्र या लेरिंग्स करते हैं। श्वरयंत्र कंठ ग्रसनी और श्वास नली को जोड़ने का कार्य करता है। यह 9 प्रकार की उपास्थियों से मिलकर बना होता है। श्वरयंत्र के अंदर पतली झिल्लियां पाई जाती है जिनको श्वर रज्जु या वोकल कॉर्ड कहते हैं। जब श्वर रज्जु या वोकल कॉर्ड में वायु गुजरती है इनसे होकर, तो इनमें कंपन उत्पन्न होता है और कंपन से ही ध्वनि उत्पन्न होती है जिसके कारण हम बोल पाते हैं। श्वरयंत्र में जो छिद्र होता है उसको ग्लोटिस कहते हैं। जब हम खाना निगलते हैं तो इस ग्लोटिस को इपिग्लोटिस ढक लेता है जिससे खाना है श्वरयंत्र में नहीं जा पाता। श्वरयंत्र श्वास नली में खुलता है। श्वास नली 5 इंच लंबी एक लंबी नलिका है जो सी आकार के उपास्थि के छल्लों से बनी होती है। श्वास नली अंदर की ओर कूट स्तरित पक्षमा भी स्तंभाकार उपकला से ढकी हुई रहती है। उपकला उत्तक हमारे विभिन्न अंगों को ढकने वाले उत्तक होते हैं।
तो यहाँ पर यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि श्वास नली में कौन सी उपकला पाई जाती है। तो श्वास नली में कूट स्तरित पक्षमा भी स्तंभाकार उपकला पाई जाती है। श्वास नली वक्ष गुहा में जाकर दो भागों में विभक्त हो जाती है, जिसको श्वसनी कहते हैं, और ये श्वसनी दाएं श्वसनी और बाएं श्वसनी कहलाती है। श्वसनी, अभी हमने पढ़ा है कि जो श्वास नली है ये वक्ष गुहा में जाकर बाएं श्वसनी और दाएं श्वसनी में विभक्त हो जाती है। ये श्वसनी पुनः छोटे भागों में विभक्त हो जाती है, जिनको प्राथमिक श्वसनी कहते हैं। प्राथमिक श्वसनी द्वितीयक श्वसनी में विभक्त होती है, और द्वितीयक श्वसनी तृतीयक श्वसनी में विभक्त हो जाती है, जैसा कि चित्र में आपको दिखाया गया है। तृतीयक श्वसनी पुनः छोटी छोटी नलिकाओं में विभक्त होती है, जिनको श्वसनी का कहते हैं। श्वसनी का पतली लंबी नलिकाएं होती है, जो वृक्षनुमा जाल के रूप में पाई जाती है हमारे फेफड़े में। श्वसनिका का अंतिम सिरा गुब्बारे नुमा कुपिका में खुलता है। कुपिका, श्वसनिका का अंतिम सिरा गुब्बारे नुमा संरचना में खुलता है, जिसको कुपिका कहते हैं। कुपिका पतली सल्की उपकला के द्वारा ढकी रहती है। कुपिका की संख्या प्रत्येक फेफड़ों में 30 मिलियन होती है। कुपिका गैसो के विनिमय का स्थल होता है। अब गैसो का विनिमय क्या होता है, अभी हम जानते हैं कि जब हम ऑक्सीजन को श्वसन के द्वारा ग्रहण करते हैं, तो ये अंत में कुपिका तक पहुंचता है। कुपिका इस ऑक्सीजन को रक्तवाहिनी में डाल देती है। रक्तवाहिनी से यह ऑक्सीजन आरबीसी के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा दिया जाता है। शरीर के विभिन्न भागों में जो कोशिकाएं होती है, उनमें कोशिकीय श्वसन होता है। कोशिकीय श्वसन के बारे में हम अध्ययन इसी वीडियो में आगे करेंगे। कोशिकीय श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कोशिकाएं वापस रक्तवाहिनी में डाल देती है, अर्थात वो रक्तवाहिनी से ऑक्सीजन लेती है और रक्तवाहिनी में रक्त डाल देती है। यह रक्त पुनः वापस कुपिका में आता है। कुपिका कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देती है और ऑक्सीजन डाल देती है। फेफड़े, वक्ष गुहा में जो पसलियों का पिंजर है, उसके अंदर की ओर फेफड़े पाए जाते हैं। इनको फुफ्फुस या लंग्स भी कहा जाता है। ये पसलियों के पिंजरे के द्वारा प्रोटेक्ट रहते हैं। ये पतले कोमल और गुलाबी होते हैं। इनमें श्वसनी, श्वसनिका, कुपिका तथा स्पंजी ऊतक पाए जाते हैं। प्रत्येक फेफड़ों में कई रक्तवाहिनियां और लसिका वाहिनियां पाई जाती है। प्रत्येक फेफड़ा कई खंडों में बटा होता है। बाएं फेफड़े में दो खंड होते हैं, जबकि दाएं खंड फेफड़े में तीन खंड होते हैं। इसको हम इस तरह याद कर सकते हैं कि बाएं ओर हृदय होता है, उस ओर दो ही खंड होते हैं, जबकि दाएं ओर तीन खंड होते हैं। डायफ्राम एक पतली झिल्ली है, जो वक्ष गुहा तथा उदर गुहा को एक दूसरे से पृथक करने का कार्य करती है। जब डायफ्राम संकुचित होता है, तो यह इसका आकार चपटा हो जाता है, जिससे वक्ष गुहा का आकार अधिक हो जाता है, जबकि शिथिल होने पर इसके यह गुंबदाकार हो जाएगा, जिससे वक्ष गुहा का आकार कम हो जाता है। वक्ष गुहा के आकार अधिक होने अथवा कम होने से ही जो श्वास की प्रक्रिया है कंप्लीट होती है। आइए इनके बारे में हम डिटेल से जानते हैं। श्वसन की क्रियाविधि को हम दो भाग में बांटकर पढ़ते हैं, उच्छ्वसन तथा निःश्वसन। उच्छ्वसन को इनहेलेशन व निःश्वसन को एक्सहेलेशन भी कहते हैं। ऑक्सीजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया उच्छ्वसन कहलाती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड के निष्कासन की प्रक्रिया निःश्वसन कहलाती है। उच्छ्वसन, ऑक्सीजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया उच्छ्वसन कहलाती है। जब डायफ्राम संकुचित होता है, तो इसका आकार चपटा हो जाता है, जिससे वक्ष गुहा का
आकार अधिक हो जाता है, जैसे कि आपके सामने जो चित्र में ऑरेंज कलर में जो तीर दिखाया गया है वो यह दिखा रहा है कि डायफ्राम नीचे की ओर खिसक रहा है, वो चपटा हो रहा है, जिससे वक्ष गुहा का आकार अधिक हो रहा है। हमारी मांसपेशियों में पाई जाती है इंटरकोस्टल पेशियां, मांसपेशियां सॉरी, हमारी पसलियों के मध्य में, हमारी जो पसलियां होती है उनके बीच में इंटरकोस्टल पेशियां होती है। ये पेशियां जब संकुचित होती है तो पसलियां ऊपर की ओर उठ जाती है, जिससे पसलियों का जो पिंजरा है ये ऊपर की ओर उठ जाता है, जैसा कि आपके सामने चित्र में लाल तीर में जो दिखाया गया है वो यह दिखा रहा है कि इंटरकोस्टल पेशियों के संकुचन से पसलियों का पिंजरा ऊपर की ओर फैल रहा है, इससे वक्ष गुहा का आयतन अधिक हो जाता है और आयतन अधिक होने से फेफड़ों का वायु दाब कम हो जाता है। बाहर वायु दाब अधिक होता है, अंदर फेफड़ों में वायु दाब कम होता है, इसके कारण वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है। वायु का फेफड़ों में प्रवेश करने का पथ पहले ये नासिका में जाती है, नासिका से श्वास नली में, श्वास नली से श्वसनी में, श्वसनी से श्वसनिका में और अंत में कुपिका तक पहुंचती है। कुपिका क्या करती है, फिर ऑक्सीजन को रक्त में डाल देती है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल लेती है। निश्वसन, कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होगी वो कहलाएगी निश्वसन, इसको हम श्वास छोड़ना भी कहते हैं। जब डायफ्राम शिथिल यानी रिलैक्स होता है, पुनः अपनी पुरानी स्थिति में वापस आता है, अपनी पुनः स्थिति में आता है, तो इसका आकार गुंबदाकार हो जाता है, जैसे कि चित्र में आपको दिखाया गया है कि इसका तीर के चिन्ह के द्वारा, ऑरेंज तीर के चिन्ह के द्वारा कि इसका आकार गुंबदाकार हो गया, जिससे वक्ष गुहा का आकार कम हो जाता है। हमारी इंटरकोस्टल पेशियां ये भी शिथिल होती है, रिलैक्स होती है, इसे पसलियां नीचे की ओर दब जाती है, पसलियों के दबने से वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है। वक्ष गुहा का आयतन कम होने से क्या होगा, फेफड़ों का वायुदाब अधिक हो जाएगा, फेफड़ों का वायुदाब अधिक होने पर बाहर वायुदाब कम रहेगा और जो कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में होगी वो बाहर निकल आएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड के बाहर निकलने का पथ इस प्रकार होता है कि यह कुपिका में, कुपिका से श्वसनिका में, श्वसनिका से श्वसनी में, श्वसनी से श्वास नली में और अंत में नासिका द्वारा शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। आइए अब अध्ययन करते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंच जाता है तो क्या होता है। अभी हमने गैसों के विधि में पढ़ा था कि कुपिका के द्वारा ऑक्सीजन को रक्तवाहिनी में डाल दिया जाता है, रक्त इस ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, शरीर के विभिन्न भागों में जो कोशिकाएं हैं वो ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेती है और उनमें जो ग्लूकोज होता है कोशिकाओं के अंदर पाइरूवेट में बदल जाता है, फिर यह पाइरूवेट माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है और माइटोकॉन्ड्रिया में यह पाइरूवेट ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एटीपी बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः रक्त में डाल देते हैं जो कुपिका तक पहुंचता है और कुपिका इसको शरीर से बाहर निकाल देती है और अंत में हमें एटीपी प्राप्त हो जाता है। इस एटीपी का उपयोग ऊर्जा के स्रोत के रूप में कोशिकाओं में किया जाता है, जैसा कि हमने पढ़ा है कि यह करेंसी ऑफ द सेल, कोशिका की मुद्रा होती है। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नोट्स तथा ऑनलाइन के लिए alisaiens.in पर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को शेयर करना भी न भूलें।